बिग बॉस सीजन 13 में आप सभी ने देखा रश्मि देसाई की पर्सनल लाइफ को। जी हाँ, यहाँ पर आपने देखा रश्मि और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच के झगड़े को, तो वहीं यहाँ पर देखने को मिला रश्मि देसाई का नया प्यार। अब बात कर रहे हैं अरहान खान के बारे में। फिनाले खत्म हो चुका है, तो वहीं अरहान खान को लेकर खबरें अब सामने आई हैं। जी हाँ दर्शकों, आपको बता दें कि हाल ही में रश्मि देसाई ने अपने इंटरव्यू में अरहान खान को लेकर तमाम बातें शेयर की। बीते कुछ दिनों से लगातार अरहान खान को लेकर सभी फैंस इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार अरहान खान है कहाँ। लेकिन अब आपको बता देते हैं कि रश्मि देसाई से बार बार पूछे जाने पर कि अरहान को लेकर अब वो नया स्टेप क्या लेने वाली है, क्या होगा उनका अगला कदम, ये बात उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में बताई है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं अरहान खान के बारे में क्या कहती हुई नजर आई रश्मि देसाई। लेकिन फ्रेंड्स, हमारे चैनल को कीजिए पहले सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट प्रांशि राठौर। बता दें आपको कि अरहान खान और रश्मि देसाई की लव स्टोरी आप सभी के सामने आई थी बिग बॉस में। बिग बॉस के घर में यहां पर अरहान ने सभी के सामने रश्मि को किया था प्रपोज, तो वहीं ये लव स्टोरी बाद में टूटती हुई भी नजर आई। सलमान खान ने एक से बढ़कर एक खुलासे किए अरहान खान को लेकर। जब रश्मि देसाई ने इन सभी राज के बारे में सुना तो वो भी शॉक्ड हो गई और इसके बाद सलमान ने खुद रश्मि देसाई को संभाला। लेकिन अगर यहाँ पर अब बात की जाए कि आखिरकार क्या कहती हुई आई है नजर रश्मि देसाई, तो चलिए बताते हैं आपको रश्मि देसाई के इस इंटरव्यू के बारे में। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। फिनाले के बाद लगातार रश्मि देसाई ने अपने इंटरव्यू में कई सारी बातें शेयर की। वहीं जब रश्मि घर में थी तब उस दौरान बिग बॉस के घर में उनके बेस्ट फ्रेंड अरहान खान की एंट्री भी हुई। लेकिन यहाँ पर इन दोनों की दोस्ती देखने को मिली, तो वहीं खबरें आईं कि यहाँ पर अरहान और रश्मि देसाई की शादी भी होगी। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक यही कहा गया। लेकिन बाद में अरहान खान हो गए घर से बेघर। बेघर होने के बाद फिर से अरहान की घर में वापसी हुई और ये दोस्ती बदल गई प्यार में। अरहान ने रश्मि को प्रपोज किया तो रश्मि ने उनकी प्रपोजल को एक्सेप्ट भी किया। इस तरीके से यहाँ पर दोस्ती से प्यार की शुरुआत हो गई, लेकिन आगे चलकर ये प्यार टूट गया। जी हाँ, ब्रेकअप हो गया। सलमान खान ने यहाँ पर अरहान खान से जुड़ी तमाम सारी बातें रश्मि के सामने रखी, जिसके बाद रश्मि भी दंग रह गई। ऐसे में सलमान खान ने घर के अंदर जाकर रश्मि को संभाला, तो वहीं एक्ट्रेस ने हाल ही में अरहान खान के रिश्ते के संग बातें कही हैं। अपने इंटरव्यू में रश्मि ने कहा है कि शो खत्म होने के बाद मैंने अरहान के बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहा है, मेरे लिए वो अब क्लोज चैप्टर है। अरहान ने मुझे मैसेज किया था, मुझे उससे कुछ जवाब चाहिए और जल्दी ही मैं उससे मिलूंगी। मुझे उसकी शादी और बच्चे के बारे में नहीं पता था, मैं उसके पेरेंट्स से भी कभी नहीं मिली। मुझे सिर्फ इतना पता था कि उसकी 3 बहनें हैं और 1 भाई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाएगा। उसने मुझे इमोशनली इस्तेमाल किया। इस वक्त मैं बाकी चीजों पर बात नहीं करना चाहती, मेरे लिए ये सदमे की तरह है। आगे रश्मि ने ये भी कहा कि मैं एक शो का हिस्सा थी ताकि अरहान को इसका हिस्सा बनने का मौका मिल सके। मुझे लगा कि अगर मैं ये शो करूंगी तो उसको एक मौका मिल जाएगा। मुझे नहीं पता था कि स्थिति इतनी खराब हो जाएगी। इतना ही नहीं, रश्मि ने यहाँ पर अपने घर की चाबी को लेकर भी कहा। जी हाँ, उन्होंने बताया कि मेरे पास जो बैग है उसमें मेरे घर की चाबियाँ भी हैं और उनके घर की चाबी अब उन्हीं के पास है। वहीं यहाँ पर रश्मि ने अरहान को लेकर ये तमाम बातें कही तो यहाँ पर सिद्धार्थ के संग झगड़े की बातें भी उठी और रश्मि ने यहाँ पर सिद्धार्थ के साथ झगड़े को लेकर भी ये कहा कि मुझे विश्वास है कि 4.5 महीने बाद सिद्धार्थ को मेरी आदत हो चुकी है और मुझे उसकी। जी हाँ, यहाँ पर हंसते मुस्कुराते हुए उन्होंने यही कमेंट किया। मेरे और उसकी राय अलग अलग है, जैसा कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि वो एक बड़े शरीर से 10 साल का बच्चा है। और इस तरीके से यहाँ पर इन दोनों के लड़ाई झगड़े सामने आए, तो वहीं अरहान खान की भी। अरहान खान को लेकर रश्मि ने साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि अब वो उनसे मिलना
जानना चाहती हैं और अब देखते हैं कि जब रश्मि देसाई अरहान से मिलेंगी तब क्या बातचीत होती है दोनों के बीच। जाते जाते हम आपको ये भी बता दें कि जब अरहान खान के बारे में बात हुई रश्मि देसाई के अपने राखी भाई मृणाल जैन से, तो यहाँ पर भी रश्मि ने काफी सारी बातें शेयर की अपने भाई से और उन्होंने अपने भाई से ये भी कहा कि अरहान ने उन्हें धोखा दिया है, वो धोखेबाज है। जी हाँ, मृणाल जैन ने खुद अपने इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था और इस तरीके से अरहान खान पूरी तरीके से बाहर हो चुके हैं रश्मि देसाई की जिंदगी से। लेकिन खबरों के बीच अब ये भी बातें आ गई हैं कि रश्मि देसाई जल्द ही अरहान खान से मिल सकती हैं और ब्रेकअप के बाद वो तमाम बातें शायद वो उनसे शेयर कर सकती हैं जिनके बारे में रश्मि देसाई को पूछना है अरहान खान से। और इस तरीके से रश्मि देसाई ने कर दिया है ऐलान कि वो जल्द ही मिलेंगी अरहान खान से। ऐसे में देखते हैं कि आखिरकार रश्मि देसाई कब अरहान खान से मिलती हैं और क्या बातचीत होती है इन दोनों के बीच। वेल, आपको बता दें कि अरहान खान जब से शो से बेघर हुए हैं उसके बाद लगातार इंटरव्यूज में नजर आए, लेकिन फिनाले के बाद अरहान खान नजर नहीं आए, ना ही फिनाले में देखने को मिले और ना ही अरहान खान ने सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट किया है। घर से इविक्ट होने के बाद उन्होंने रश्मि को लेकर पोस्ट किया था, लेकिन उसके बाद पोस्ट देखने को नहीं मिली। ऐसे में देखते हैं कि यहाँ पर रश्मि देसाई के इस बयान के बाद क्या रिएक्शन आता है अरहान खान का, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही, अगली बार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज और हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।